यहाँ पे रखे हैं ये सबके अवार्ड, अवार्ड काफ़ी अच्छे हैं। मेरा अवार्ड होगा इसके पीछे, मैम के पीछे कहीं होगा। मेरे से गलती यही हो गई कि मैं लास्ट टाइम पे कोट लेने निकल गया, अपना साइज़ भूल गया भाई, मेरा साइज़ क्या है कि कुछ भी मिलता नहीं है, तो इसलिए भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। तो भाई अभी मैं तैयार होकर ऑफिस जा रहा हूँ। आज क्या है ना, ऑफिस में भाई थोड़ी बड़ी पार्टी है, बड़े लोगों के साथ, AVP और सीनियर लोगों के साथ, तो उनके लिए जा रहा हूँ। सारा कुछ भाई फॉर्मल वगैरह कपड़ों में पार्टी है, लेकिन भाई मैंने हाफ पैर रखा है। सीन क्या है ना भाई कि कल मैं पूरा अट्टा मार्केट घूमा और अट्टा मार्केट में भाई मेरे नाप का कोट ही नहीं मिला। ड्रेस कोड वाला साड़ी और कोट वगैरह, तो भाई मैं पूरा अट्टा मार्केट घूम लिया, मेरे नाप का कहीं मतलब बना बनाया कोट ही नहीं मिला। तो भाई सीन अब ये है कि अपन अभी मैं ऐसे होके जा रहा हूँ। अभी ये वैसे मैंने एक फॉर्मल कमीज़ ले ली है। अभी मैं आ गया ऑफिस और अंदर अभी भाई जो भी मेरी टीम के जो लोग पार्टी वगैरह में जा रहे हैं वो तो भाई मस्त कोट, मस्त टिप टॉप रेमंड वेमंड के टॉप वगैरह पैर, टॉप नहीं सॉरी सूट वगैरह पैर गए। भाई मेरे को मिला ही निकल साइज का मेरा, मैं क्या करूँ। और मेरे को ऐसे देख के भाई बोल रहे हैं कि ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। और भाई जो अभी मेरे को पता चला है कि जो पार्टी है ना भाई, ये पार्टी थोड़े बड़े लेवल की है, इसमें AVP तो आएंगी और CEO तक भी, मतलब भाई बड़े लेवल की पार्टी वगैरह। कोट पैंट तो चल जाएगा, बस किसी की नज़र मेरे जूतों पे ना जाए, मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आ गया हूँ, मेरे पे को वो आते नहीं भाई वैसे वाले। तो ये हमारा मैप पार्टी लोकेशन का, यहाँ पे पार्टी हमारी कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये तो है होटल, अच्छी जगह लग रही है तो मैप। तो भाई पार्टी का टाइम करीब आता जा रहा है और मैंने आपको बताया नहीं भाई ये पार्टी असल में है क्यों। मतलब ये पार्टी इसलिए है कि यहाँ पे हम मतलब कल्चर के लोग होते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं, इवेंट कराते हैं, तो भाई वो लोग कोई एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह वगैरह तो लेते नहीं है, तो उनके लिए और कुछ भाई रीज़न भी नहीं है सैलरी लेने का, क्योंकि भाई फ़न कर रहे हैं, कुछ वैसा काम थोड़ी कर रहे हैं। तो इसीलिए न्यूजन मतलब जो सीनियर लेवल है के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एक साल में एक बार है ना उनको पार्टी देते हैं बड़ी सी अच्छी सी, तो उन्हीं का वो सेलिब्रेशन हो जाता है कि वो लोग पूरे साल इतने सारे इवेंट वगैरह कराते हैं, तो इसलिए उनको भाई एज ए कंपनसेशन कुछ मिल जाता है। तो अभी भाई पार्टी का टाइम होने वाला है, तो मैं भाई इसमें लाया था, मैं इसमें पैक करके इसलिए लाया था क्योंकि भाई रास्ते में बाइक पे क्या है ना धूल मिट्टी से गंदी हो जाती, तो इसलिए बस इसको फटाफट यहाँ साइड में आके मैं पहन रहा हूँ, फिर पहन के चलते हैं। यहीं से हमारी वो दिखती है, यहीं से देखो वो जो सामने हरा हरा सा है ना, उस वाली बिल्डिंग पे भाई पार्टी वगैरह, वहाँ पे फुल भाई सीनियर लोग वगैरह आएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, इतनी दूरी है, देखो ये हमारा ग्राउंड है सामने कंपनी का, लोग कैसे दिख रहे बिंदी बिंदी से, और इतनी दूर है, पैदल जाया जा सकता है वहाँ पे। अभी मैं हो गया रेडी भाई, ये पहन लिया है, पता नहीं कौन सा कॉटन करके उसने बोला था इस कॉटन की कमीज़ है, हालांकि भाई उतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन कुछ ना से कुछ तो अच्छा है भाई। तो और अब मैंने एक बात भाई ध्यान रख ली कि कुछ भी लास्ट टाइम पे नहीं करना है, बस मेरे से गलती यही हो गई कि मैं लास्ट टाइम पे कोट लेने निकल गया, अपना साइज़ भूल गया भाई, मेरा साइज़ क्या है कि कुछ भी मिलता नहीं है, तो इसलिए भाई हफ्ते भर पहले अगर मैं जाता तो अब सिलसिला जाता मेरे साइज़ का, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसी से काम चलाऊंगा। अब चेहरे पे थोड़ा सा H2O मारूंगा, उसके बाद भाई पार्टी रेडी। तो भाई H2O भाई कोई लिक्विड वगैरह नहीं, पानी को बोलते हैं, तो वो मारूंगा, मुंह धो लूंगा और उसके बाद भाई चलेंगे पार्टी में। और क्या देख रहे भाई यहाँ पे ऑफिस वगैरह में भाई इतने बड़े बड़े LCD वगैरह लगे होते हैं, लेकिन ये इनका भाई आप कुछ नहीं देख सकते, नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ नहीं। ऐसे भाई ऑफिस वालों ने लैपटॉप दे रखे इतने तगड़े तगड़े से, 16 GB रैम, SSD वगैरह ये सब। भाई अगर मेरे को एडिटिंग के लिए मिल जाए ना ऐसा, तो भाई मैं क्या ही वीडियो बना दूँ, लेकिन उनमें भाई तुम ऑफिस के काम के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तभी भाई सारे लोग आ गए बाहर, वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना वाला नाश्ता पानी वाले चल गए, तो भाई लेकिन मैं खाऊंगा डायरेक्ट खाना, तभी लेट भाई सारे सीनियर लोगों की पार्टी है, तो भाई वो अपने टाइम से निकलते हैं, तो भाई थोड़ा लेट आ रहा है, तो इसलिए 6 के 7 हो गए, 6 बजे से पार्टी स्टार्ट थी, लेकिन वो आएंगे जब भी आएंगे, तो अभी भाई बस थोड़ी वेटिंग चल रही है उनकी। और भाई अवार्ड भी वहाँ पे बिल्कुल मस्त मस्त आया, यहाँ पे रखे हैं ये सबके अवार्ड, अवार्ड काफ़ी अच्छे हैं। मेरा अवार्ड होगा इसके पीछे, मैम के पीछे कहीं होगा। अपने CEO सर भी आ गए, सबसे सिंपल वही लग रहा है। यही तो है भाई बड़े लोगों की पहचान। जीवित रहूंगा मैं अंध पर पशु का, वाणी हो सत्य धर्म राज की, मेरी पसली के नीचे तो पंजे उगाए, मेरी ये मितलियां बिंदा तो के चीत खाए पाए जिसे, वक्त केवल वक्त केवल वक्त अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। Oh.
शायद पांडव योद्धा है, अकेला निहत्था, पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार। धनुष मरोड़ा है दूसरे हाथों से, गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाओ इस झाड़ी के पीछे। केक कटिंग भी है यहाँ, तो आज कट गया क्या? काट दिया है, सब ने अपना अपना केक ले लिया है। मेरे को लगता है फूल अच्छे, मैंने फूल ठा लिया। टू मच ड्रिंक्स थे। तो गाइस अपनी पार्टी हो गई है ओवर, और अभी हम कर रहे हैं कार का इंतजार। लाइन वाइज लाइन लाइन करके आ रही है। तो गाइस अवार्ड लेके अभी आ गया घर पे, फाइनली भाई अवार्ड मिल गया। और भाई खाना वाना खा के वहाँ पे मतलब मस्त भाई वो करा, वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई, खाना खूब अच्छा था, क्योंकि भाई वहाँ पे सब लेके बोतल वोतल लेके पी रहे थे। कोई अगर वीडियो बना रहा था तो भाई पकड़ लेता मेरे को, बोलता कि वो क्यों बताया। हाँ अभी भाई एक और सरप्राइज़ था, असल में क्या है ना, अभी भाई मैं मतलब अभी आया हूँ, 10-11 हो गए सुबह को, भाई मेरी एक फ़्लाइट है, मतलब फ़्लाइट से भाई मैं घूमने जा रहा हूँ मुंबई। मेरे एक दोस्त था ना पीयूष नाम का भाई, वो वहाँ रहता है, तो उसने भाई मेरे को टूर ऑफर कराया घूमने के लिए, तभी उसी ने भाई ट्रेन वगैरह फ़्लाइट की टिकट वगैरह करा दी है। तो सुबह भाई उठ के 5 बजे मेरे को फ़्लाइट पकड़नी है, तो उसके लिए भाई फ़्लाइट के थोड़े बहुत रूल होते हैं कि आपको 7 किलो वज़न लेके जाना है मतलब बैकपैक में, और 15 किलो लगेज जो लटका के ले जाता है। तो उसी के लिए मेरे को अभी पैकिंग करनी है भाई, इतना बुरी तरह थका पड़ा हूँ अभी क्या ही करूँ। तो अभी फटाफट भाई उसकी पैकिंग करके अपन मुंबई के लिए निकलेंगे। मेरे 3-4 दोस्त और जा रहे हैं साथ में, तो भाई फुल मज़ा आने वाला है। 4-5 दिन की मैंने छुट्टी ले ली है, तो भाई दबा के मुंबई की सारी एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। और भाई अभी दिखाता हूँ, तभी मैं फटाफट भाई मैं पैकिंग कर लेता हूँ अभी जल्दी जल्दी, फिर रात को 2-3 बजे निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। और मैं भाई पहली बार ही बैठूंगा प्लेन में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो इसलिए इस व्लॉग का भी मैं करता हूँ यहीं पे एंड, पैकिंग वैकिंग कर लो और आपसे मिलता है फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।